वेदों में जिसका उल्लेख मिला और महाभारत में जिसकी बात हुई, जिसका पवित्र जल प्यासों की प्यास बुझाता रहा और आस्था का एहसास कराता रहा, लेकिन गुजरते वक्त के साथ वो अपनी धारा को ना बचा सकी और विलुप्त हो गई। दरअसल हम बात कर रहे हैं पवित्र नदी सरस्वती की, जिसके पुनरुद्धार के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाया। देखिए रिपोर्ट। आप पौराणिक नदी सरस्वती को पुनर्जीवित करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल हरियाणा में सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए बांध बनाया जाएगा। सोम नदी पर आदि बद्री बांध के निर्माण को लेकर हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच एमओयू साइन किया गया है। पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में शुक्रवार को आदि बद्री बांध निर्माण के लिए एमओयू साइन किया गया। इसके तहत 3 किलोमीटर लंबी झील बनाई जाएगी। मैं समझता हूं कि सरस्वती का ये जो स्वरूप है, जो सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल हम हरियाणा के लोग, न केवल देश के लोग, दुनिया के लोग शोध कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक पीठ भी बनाई है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कि उस पीठ में उसकी रिसर्च हो। 350 के लगभग ग्रंथ ऐसे लिखे गए हैं इनके इसके ऊपर, अलग अलग मैप्स हैं, अलग अलग कहानियां, अलग अलग सब आते हैं, तो उसको एक रिसर्च का एक सिस्टम बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये विचारा कि यहाँ एक डैम बनाया जाए, तब मैंने मुख्यमंत्री जयराम जी बने तो उन्होंने कहा कि इस विषय के ऊपर हमें काम करना चाहिए। आज इसका परिणाम निकला और आज हम लोग जो एमओयू कर रहे हैं तो उस पानी को रोक करके, बहुत बड़ा डैम नहीं है, वो छोटा ही डैम बनेगा अभी, क्योंकि जितना पानी पीछे से आता है उतना ही तो डैम बनाना, उससे ज़्यादा बनाने का लाभ नहीं है। लेकिन कुछ जैसे 61 हेक्टेयर मीटर जो है वो हिमाचल के काम आएगा, 162 हेक्टेयर 70% तो हरियाणा को पानी मिलेगा। उसको अगर मोटे अर्थों में बताना हो तो लगातार 8-9 महीने, 3 महीने तो पानी पर्याप्त रहता है, बरसात के दिनों में कोई कमी नहीं है, उस डैम के भरने के बाद भी पानी और बचेगा जाएगा, लेकिन 8-9 महीने लगातार उसमें से पानी हम लेंगे तो 20 क्यूसेक पानी लगातार उसमें धारा प्रवाह हो सकता है। वही कार्यक्रम में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज एक पवित्र काम की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि हरियाणा के साथ साझा प्रयास कर रहे हैं ताकि सरस्वती नदी जमीन पर दिख सके। इसके साथ ही सीएम जयराम बोले कि इस प्रोजेक्ट से पर्यटन की भी नई संभावनाएं पैदा हो सकेंगी। आज ये ऐतिहासिक पल है, जब जिस सरस्वती को हम जमीन पर नहीं देख पा रहे हैं, जिसकी वजहें यहाँ पर मुझसे पहले जो प्रेजेंटेशन के माध्यम से बहुत सारी बताई गई, एक पवित्र प्रयास है ये आदरणीय मनोहर लाल जी की ओर से जो प्रस्ताव हमारे सामने रखा गया और हम उसमें शामिल होकर के मिल करके उस दिशा में करने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रयास को, ताकि ये सरस्वती नदी जमीन पर दिखे। तो इससे पर्यटन की दृष्टि से भी जो हमारा इलाका है, जो हिमाचल प्रदेश का, उस डैम के साथ जो जिसमें थोड़ा एरिया जो हमारा सबमर्ज हो रहा है, जहाँ वो इसकी झील बनेगी, डैम बनेगा, जब वो बन करके तैयार होगा तो पर्यटन की दृष्टि से भी मैं समझता हूँ कि उस इलाके का एक बहुत बड़ा जो है वो उधार होगा। 215 करोड़ की इस परियोजना को साल 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब सरस्वती नदी धरातल पर भी नजर आएगी। आदि बद्री डैम के बाद हरियाणा में सरस्वती नदी 198 किलोमीटर बहेगी। यमुनानगर कुरुक्षेत्र कैथल के एरिया से बहकर ये पंजाब के पटियाला के सतडाणा के पास घग्गर नदी में मिलेगी। आदि बद्री डैम का किया जाएगा निर्माण। हरियाणा सरकार डैम के लिए देगी फंड। करीब 215 करोड़ रुपए का आएगा खर्च। हिमाचल सरकार कराएगी डैम का निर्माण। आपको बता दें कि हरियाणा के यमुनानगर जिले और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की सीमा पर आदि बद्री डैम का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए दोनों ही राज्यों की जमीन का इस्तेमाल होगा, लेकिन फंड हरियाणा सरकार देगी और निर्माण कार्य हिमाचल सरकार कराएगी।
इसके लिए हिमाचल प्रदेश की 77 हेक्टेयर और हरियाणा की 11 हेक्टेयर भूमि पर 35 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण किया जाएगा। हिमाचल के सिरमौर जिले में बनेगा डैम। हिमाचल सरकार देगी 77 हेक्टेयर भूमि, हरियाणा सरकार देगी 11 हेक्टेयर भूमि, 35 मीटर ऊंचे बांध का होगा निर्माण, सरस्वती नदी का होगा पुनरुद्धार, विलुप्त सरस्वती में छोड़ा जाएगा पानी, किसानों को भी होगा डैम से फायदा, सिंचाई एवं पेयजल की आपूर्ति होगी। वहीं कार्यक्रम में मौजूद हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि आदि बद्री डैम बनाया जाना गौरव की बात है, वेदों की रचना इसी नदी किनारे हुई थी। आज ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का, बहुत ही गौरव का एक दिन है कि जब जो एक बहुत प्राचीन नदी जिक्र है और हमारा बहुत गौरवपूर्ण इतिहास है और हम सबकी मान्यता है कि जो वेदों की रचना हुई वो इसी नदी के किनारे पर हुई और भी बहुत सी ऐसी प्राचीन जो घटनाएं हुई वो इस दरिया के नजदीक हुई। सरस्वती नदी से हरियाणा में लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी है, वहीं दूसरी ओर हरियाणा में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने के लिए पिछले 7 साल से सरकार प्रयासरत थी। डैम के निर्माण से हिमाचल और हरियाणा के किसानों को सिंचाई और पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा। इस बांध के निर्माण से जहां सरस्वती नदी पुनः जीवित होगी तो वहीं हिमाचल के जिला सिरमौर को भी इसका बड़ा लाभ मिलेगा। कहा जाता है कि हजारों वर्ष पूर्व हिमाचल के सिरमौर से सरस्वती बहती थी जो मौजूदा हरियाणा से होती हुई पंजाब में दाखिल होती थी, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के चलते पहाड़ों में बदलाव हुआ और सरस्वती नदी की धारा खत्म हो गई। हालांकि हरियाणा और हिमाचल सरकार के इस प्रयास से सरस्वती के दोबारा धरातल पर दिखने की उम्मीद नजर आने लगी है। जनता टीवी के लिए पंचकुला से पवन सिवर की रिपोर्ट।